वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट। हम देते हैं उन सभी को ऑनलाइन जॉब्स जो हमारे कोर्स करते हैं। तो हम सीख रहे हैं पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट में हम आ जाते हैं। तो हम आ गए हैं पावर पॉइंट की स्क्रीन पर। तो लास्ट क्लास में हमने सीखा था डिज़ाइन के, जो डिज़ाइन से उनका यूज़ कैसे करना है, कैसे हम अलग अलग डिज़ाइन डाल के उसमें नए उसे जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एनिमेशंस। तो एनिमेशंस में देखेंगे, यहाँ पे को हमने एक फाइल जो है वो ली हुई है, कई सारे हमने यहाँ पे को स्लाइड्स क्रिएट करे हुए हैं और उन्हीं स्लाइड्स को हमने यहाँ पे को लिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, एनिमेशंस जो हैं उनका यूज़ करने वाले हैं। तो जो एनिमेशंस होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे, कई सारे यहाँ पे को जो है हमारे पास एनिमेशंस हैं, जिस पे भी हम अपना माउस का हमारा जो कर्सर है वो हम लेके जाते हैं तो हमारा वो वाला हमको यहाँ पे हमारी स्क्रीन पर अप्लाई होते हुए दिख जाता है, ठीक है। तो एनिमेशन जो होता है उसका यूज़ क्यों करते हैं, किसी भी कंटेंट में मूवमेंट ऐड करने के लिए हम एनिमेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हम देखेंगे इस वाले पे हम लेके जाते हैं, तो यहाँ पे को देखेंगे इसमें चेंज हुआ, तो ये एनिमेशन है। तो इसमें मूवमेंट लाने के लिए इसमें हम एनिमेशन का यूज़ करते हैं। तो एनिमेशन को यूज़ कैसे करते हैं, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास फोर स्लाइड्स है, ठीक है। तो फर्स्ट वाली स्लाइड हमारे पास ये है, इसमें हमें कोई यहाँ पे देखेंगे कोई भी स्लाइड यहाँ पे ऐड करनी है, इस स्लाइड पे कोई भी एनिमेशन देना है, तो क्या करेंगे, जो भी आपको ठीक लगता है उस वाले पे हमें क्लिक करना है। जैसे ये वाला अगर हमें ठीक लगता है, या फिर ये वाला राइट टू लेफ्ट, या फिर जितने भी यहाँ पे हैं उनमें से कोई सा भी अगर आपको ठीक लगता है तो उस वाले पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे हम ये वाला इस पर क्लिक कर लेते हैं, ये आ गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, वेलकम टू वेबजीफाई इंस्टीट्यूट, इस वाले पे भी हमें डालना है, तो क्या करेंगे, इसे करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम देंगे कस्टम एनिमेशंस पे, कस्टम एनिमेशंस पे गए, यहाँ पर देखेंगे ऐड इफेक्ट्स है, ऐड इफेक्ट्स पे गए। आप यहाँ पर देखेंगे कई सारे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं इफेक्ट्स के, इनमें से जिस पे भी हम क्लिक करेंगे उसमें हम देखेंगे मोर इफेक्ट्स, मोर इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो और भी कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जिस पे भी हमें जो है चूज़ करना है आप क्लिक कर लीजिए, हमें पीछे अप्लाई होते हुए दिख जाएगा कि किस तरीके का जो है वो हमें चाहिए। ओके, ये हमने जिस पे भी क्लिक करेंगे वो हमें यहाँ पे कुछ शो हो जाएगा, ये ओके आ रहा है, ओके पे क्लिक करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर से हमने जो भी चूज़ किया है, सेकेंड वाले पे हम गए, सेकेंड वाले पे हमें यहाँ पर से कोई स्लाइड डालनी है, तो क्या करेंगे, जो भी स्लाइड डालनी है, जो भी एनिमेशन डालना है उस पर हम क्लिक कर लेंगे, ये कितने स्पीड पर आ रहा है, तो हमें क्या करना है, इसकी स्पीड को कम करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा है ट्रांजिशन स्पीड में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्लो है, मीडियम है, फास्ट है, तो हमें करना है स्लो। स्लो पे हम क्लिक करेंगे तो इसका जो स्पीड है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट ऐसे ही हमें सब पे करना है। तो सेकंड वाले पे हमने कोर्सेज, जिसमें जो वेबजीफाई इंस्टीट्यूट जो आपको कोर्स दे रहा है उन्हीं पर हमने क्या है अभी अप्लाई कर लिया है कि जो हमारी ट्रांजिशन ऑफ स्लाइड है कि हमें कैसी चाहिए, कितनी स्लो चाहिए, फास्ट चाहिए, हमने वो अप्लाई कर लिया। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहाँ पे कोई पिक्चर है, इस वाली पिक्चर पे हमें क्या करना है, कोई डिज़ाइन इंसर्ट करना है या फिर कुछ भी अगर हमें इस पे फॉर्मेट करना है तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आए फॉर्मेट पे आएंगे, जैसा भी हमें यहाँ पे को फॉर्मेट चाहिए आप देखेंगे चूज़ कर लेंगे। जैसे नीचे शेडो यहाँ पे को दिखाई दे रही है तो शेडो वाला चाहिए, या फिर कोई 3D चाहिए तो 3D वाला ले लेंगे, या कोई अलग हमें चाहिए तो हम वो भी यहाँ पे को चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जैसा भी हमें चाहिए वो हम यहाँ पे को चूज़ कर लेंगे। ये वाला हम चूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे देखेंगे इस वाली स्लाइड पे हम क्या करेंगे, एनिमेशन पे जाएंगे। एनिमेशन पे जाने के बाद जो भी एनिमेशन हमको चूज़ करना है, जैसे ये वाला अगर चूज़ करना है ये वाला चूज़ कर लेंगे, या फिर कोई दूसरा चूज़ करना है तो वो कर लेंगे। जैसे ये इस वाले पे क्लिक करेंगे, फास्टेस्ट की स्पीड क्या कर लेंगे, स्लो। स्लो पे हमें चाहिए, अभी आ रहा है स्लो। नेक्स्ट हम जाएंगे लास्ट वाले पे, वर्ल्ड्स नंबर वन इंस्टीट्यूट। ओके, तो जिसमें लिखा हुआ है 100% वी गिव जॉब्स, तो इस वाले पे हमें कोई एनिमेशन डालना है, तो क्या करेंगे, जिस भी एनिमेशन जो भी आपको ठीक लगता है उस वाले पे क्या करना है, क्लिक करना है। ओके, राउंड शेप में चाहिए या फिर जैसे भी हमें चाहिए, कई सारे यहाँ पे कोई हैं, जो भी आपको अप्लाई करना है, जो भी आपको ठीक लगता है उस वाले पे हमें क्या करना है, क्लिक करना है। हम ये वाले पे क्लिक कर लेते हैं, इसके भी कर लेते हैं, इसको स्पीड को स्लो, ठीक है। इस वाले पे भी कर सकते हैं, तो जिस पे भी करना चाहते हैं वो वाला कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल करेंगे तो जो हमने फर्स्ट वाले पे किया है वही हमारे सब पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, स्पीड हमने देख लिया है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, वेबजीफाई इंस्टीट्यूट फर्स्ट वाले पे हम गए, इस वाले पे जो हमने ये टाइप किया हुआ है, जो हमारा टेक्स्ट है, इस वाले पे हमने जो है यहाँ पे से भी इफेक्ट दिया। ओके, सेकंड वाले पे जाएंगे, कोर्स वाले पे हमने कोर्स सिलेक्ट करा, कोर्सेज सिलेक्ट करे, इस पे जाएंगे एड इफेक्ट, एड इफेक्ट पे यहाँ पे देखेंगे फोर ऑप्शन हमारे पास है, जिस पे भी हमें क्लिक करना है वो हम क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। मोर पे जाएंगे, मोर पे जाने के बाद
हमें बस क्या है इसे क्लिक करना है। तो जो भी यहाँ पे चेंजेस हैं हमें यहाँ पे को देखने को मिल रहे हैं, कोई सा भी अगर हमें यहाँ पे एनिमेशन चाहिए तो वो हम यहाँ पे को चूज कर सकते हैं। ओके तो कैंसिल कर देंगे, अभी दूसरा कोई चूज कर लेते हैं। एंट्रेंस पे गए, मोर पे गए, जो भी आपको ठीक लगता है उस वाले पे करेंगे, क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस हैं हमारे पास कि हम कोई भी चूज कर सकते हैं। ओके उसके बाद नेक्स्ट हम नीचे जाएंगे। अभी हम यहाँ पे को क्या करेंगे, अभी हमने बाहर पे क्लिक किया है तो यहाँ पे देखेंगे ऐड इफेक्ट का जो ऑप्शन है वो ओपन नहीं हो रहा है, बट हम जब यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, इसे सिलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे को ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाता है। ठीक है तो नेक्स्ट ऐसे ही हमें यहाँ पे को और भी जो लेने हैं, जो भी चूज करना है वो यहाँ पे को चूज कर सकते हैं। ठीक है ओके पे क्लिक करेंगे, ऐसे ही हम सभी पे जो है वो चूज कर लेंगे। ये हम 100% गेट जॉब हेयर यहाँ पे करते हैं, जो भी हमें चूज करना है। कई सारे यहाँ पे आपके पास हैं, ये वाला हमने चूज किया। ओके नेक्स्ट हमारे आते हैं फोर्थ वाले पे, फोर्थ वाले पे आ जाते हैं नंबर 1, वर्ल्ड्स नंबर 1 इंस्टीट्यूट। ओके एड इफेक्ट पे जाएंगे, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, मोर पे जाएंगे, मोर चाहें तो मोर पे जाएंगे, वरना ऊपर भी आपके पास कुछ ऑप्शन हैं, वहाँ पर से भी आप इनमें चूज कर सकते हैं, जो भी हमें चाहिए उसको चूज करेंगे। ओके इस वाले पे भी इफेक्ट चाहिए, मोर इफेक्ट पे जाएंगे, जो भी इफेक्ट चाहिए उस वाले को यहाँ पे को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है लास्ट पे जाएंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, ऐसे ही थर्ड नंबर वाले पे भी कर लेंगे इस पिक्चर पे। फोर्थ पिक्चर जो है उसमें भी कोई हमें इफेक्ट डालना है, कोई फॉर्मेटिंग करनी है तो वो भी हम यहाँ पे को कर सकते हैं। ठीक है ओके पे क्लिक करेंगे, फोर्थ वाले पे जाएंगे, पिक्चर सेलेक्ट करेंगे, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे फर्स्ट हमने फॉर्मेटिंग, पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट आ जाता है। फॉर्मेट पे जाने के बाद जो भी हमें इसमें फॉर्मेट चेंज करना है पिक्चर पे वो हम यहाँ पे को चेंज कर सकते हैं। 3D में चाहिए, यहाँ पे देखेंगे इसकी मिरर वाली इमेज आ गई है, यहाँ पे को मिरर पे भी, यहाँ पे शेडो में भी इनका शो हो रहा है। ठीक है ये वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, वापस से जाते हैं एनिमेशंस पे, एनिमेशंस हमने सभी में जो है अप्लाई कर लिए हैं, यहाँ पर से इसे कट करते हैं। उसके बाद देखेंगे फर्स्ट वाला, यहाँ पे अगर हम जाते हैं कस्टम एनिमेशन पे, अब आप यहाँ पे देखेंगे जो वर्ल्ड्स नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, फर्स्ट एनिमेशन हमने इस पे लगाया और सेकंड हमने इस पे लगाया, यहाँ पे 1 और 2 हमें लिखा हुआ शो हो रहा है। ठीक है तो नेक्स्ट हमें फर्स्ट पे जाना है, प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तो प्रीव्यू पे क्लिक करने से क्या होता है जो भी हमने किया है वो हमें यहाँ पे को शो हो जाता है। ठीक है तो जैसे क्या हुआ प्रीव्यू है, अभी हमने फर्स्ट वाली सिलेक्ट करी है, ये लिखा हुआ है प्रीव्यू, तो प्रीव्यू में करते हैं क्लिक, ये क्लिक किया तो हमें शो हो रहा है कि हमने क्या क्या इसमें किया है। ठीक है पहले हमने फर्स्ट हमने किस में एनिमेशन दिया, सेकंड एनिमेशन किस में दिया, थर्ड किस में दिया, या जाता है सेकंड में, वापस करते हैं प्रीव्यू, ये शो हो रहा है कि हमने कैसे इसमें एनिमेशन दिया है, कौन से दिए और फर्स्ट किस में दिया है, सेकंड किस में दिया है, थर्ड किस में दिया है। ठीक है तो ऐसे ही हमारे सब में हम प्रीव्यू करके देख सकते हैं। अभी हमें क्या करना है, ये हमने क्रिएट कर लिया है, इसके बाद हमें इसमें क्या चाहिए, यहाँ पे से ऐसे कर लेते कट, हमें इसे पूरी स्लाइड को देखना है, तो यहाँ पे स्लाइड शो लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे, फर्स्ट देखेंगे फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम बिगनिंग मीन्स स्टार्टिंग से, कि स्टार्टिंग से हमने देखी है, बट अभी हमने फर्स्ट वाली सिलेक्ट करी हुई है, थर्ड सिलेक्ट कर लेते हैं बट हमें स्टार्टिंग से देखनी है, तो ये हमारी स्टार्टिंग से ही आएगी, सिलेक्ट हमने थर्ड करी थी बट हम क्या कर रहे हैं स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो यहाँ पे को स्टार्टिंग से ही आएगी। ओके तो ये ऐसे हमने इसमें जो है वो फॉर्मेटिंग करी थी, तो ये यहाँ पे को हमारी क्या हो रही है शो हो रही है। नेक्स्ट हमने ये किया था, तो जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग यहाँ पे करी है, जितने भी सॉरी एनिमेशंस हमने यहाँ पे को दिए हैं, वो सारे एनिमेशंस हैं जो यहाँ पे को हमको शो हो जाएंगे, उनकी स्पीड जो है फास्ट करनी है या फिर स्लो करनी है, मीडियम करनी है, जैसे भी हमें करनी है वो हम यहाँ पे को चूज कर सकते हैं। तो क्या होता है एनिमेशंस हम लगाते हैं थोड़ा सा मूवमेंट के लिए, तो ये हमारा मूवमेंट हो रही है, ये हमारी एक वीडियो टाइप जो है वो यहाँ पे को क्रिएट हो गई है। ऐसे ही हमें अगर इसमें कोई एनिमेशंस लगाने हैं, कोई ऐसी क्रिएटिविटी करनी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे एनिमेशंस का यूज करेंगे। ठीक है तो स्लाइड शो में हमने देख लिया, अब देखना है फ्रॉम करंट स्लाइड, अभी हमने क्या किया था फ्रॉम बिगनिंग, तो हमने यहाँ पे थर्ड वाली सिलेक्ट करी है, ओपन भी हमारे यहाँ पे थर्ड है, बट हमने फ्रॉम बिगनिंग पे क्लिक किया था तो हमारा वेलकम टू वेबजेफाई इंस्टीट्यूट से आया था। अभी हमें करना है फ्रॉम करंट स्लाइड, फ्रॉम करंट स्लाइड से करेंगे, हमने थर्ड वाली ओपन करी थी तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास थर्ड वाली से ही आ रहा है 100% गेट जॉब हेयर, ये थर्ड वाली से हमारा आ रहा है ना,
तो ऐसे ही हमारा थर्ड वाली सारा है। तो अभी हमें क्या करना है, फ्रॉम करंट स्लाइड से करेंगे। मान लीजिए हमारे पास अभी हमारे पास केवल 4 स्लाइड्स हैं। अगर हमारे पास बहुत सारी स्लाइड्स होती हैं, अगर हमें हाफ से ही देखनी है, तो जिस भी स्लाइड से देखना है उस पर क्लिक करके फ्रॉम करंट स्लाइड कर देंगे तो हम उससे देखेंगे। अगर स्टार्टिंग से देखना है तो फ्रॉम बिगनिंग कर देंगे तो स्टार्टिंग से देख पाएंगे। ओके, तो उसके बाद क्या है, अगर कोई सी भी जो स्लाइड है वो हमें हाइट करनी है तो यहाँ पे देखेंगे हाइट स्लाइड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट वाले पे आपको हाइट का यहाँ पे कोई साइन दिखाई दे रहा है, जो 1 है उस पर कट का साइन आ गया है, अभी हट गया है। तो ऐसी वो जो स्लाइड है हमारी हाइट हो जाती है। सेकेंड वाली हाइट कर लेते हैं, फर्स्ट वाली पे रहेंगे अनहाइट करेंगे, सेकेंड वाली पे रहेंगे हाइट कर देंगे। तो फर्स्ट वाली पे रहेंगे, अभी हम देखते हैं ये हमारी फर्स्ट वाली है, इसके बाद हमारी डायरेक्ट ये थर्ड वाली आ गई है। ओके, क्योंकि हमने सेकंड वाली पे हाइड कर दिया था तो वो जो है हमारी हाइड हो गई थी। तो फर्स्ट के बाद सीधे डायरेक्ट हमारी थर्ड आ गई थी और सेकंड जो है वो हाइड हो गई थी। तो सेकंड को करते हैं अभी अनहाइड। ओके, ऐसे ही हमें देखेंगे यहाँ पे सेटअप स्लाइड शो। अगर जो स्लाइड है उनका सेटअप करना है कि जो स्लाइड है फ्रॉम कितने से कितने तक, मीन्स हमें यहाँ पे हमारे वन से, हमारे पास वन से ही है, फोर तक है। अगर हमें वन से फोर तक देखनी है तो फ्रॉम 1 to 4। ओके, तो अगर वन से नहीं देखनी है, फ्रॉम 2 to 4, तो यहाँ पे करेंगे ओके। और यहाँ पर से हमें जो है सेकंड से फोर तक देख सकते हैं। अभी हमारे पास सिर्फ 4 है, अगर हमारे पास बहुत सारी होती है, मीन जैसे 10 होती है, 15 होती है और उससे भी ज्यादा होती है, हमें देखनी है 9 से लेकर के 12 तक के बीच की, तो हम उसमें क्या करेंगे, फ्रॉम 9 to 12। ओके, तो ऐसे ही हम करेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कस्टम स्लाइड शो पे जाएंगे, तो कस्टम स्लाइड शो पे जाएंगे तो यहाँ पे को जो भी स्लाइड आपने डालनी है वो आप यहाँ पे को स्लाइड जो है वो न्यू अगर ऐड करनी है तो कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा है कि कैसे हम एनिमेशंस पे जा करके जो हमारी हमने फाइल रेडी करी है उसमें कोई भी मूवमेंट ला सकते हैं, ठीक है, कोई भी उसमें इफेक्ट्स डाल सकते हैं, कैसे उन्हें चेंज कर सकते हैं, कैसे उन्हें और क्रिएटिव कर सकते हैं, और स्लाइड शो में जा करके हम उन्हें कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो कैसी है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।